स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये मेन चैनल है, इसको एक बार ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करके रखें। इसमें लगातार रिवीजन करवाया जाता है जीएस का प्लस करंट अफेयर का, बेहद इंपॉर्टेंट जो स्टेट पीसीएस के आरओ बीओ के एग्जाम्स के लिए होती है, सारा रिवीजन यहाँ पे चलता है लगातार। ये एससीएस डेली क्विज वाला चैनल है, इसमें 99,900 लगभग 1,00,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे जीएस के डेली फ्री 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, पिछले 6 सालों से चल रही प्रैक्टिस। ये ओनली करंट अफेयर चैनल हमारा, इसको ज्वाइन कर लें, लगातार करंट अफेयर के डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, वनडे वाला भी दिया जाता है, पीसीएस वाला भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। यहाँ पे न्यूज पेपर में तरह तरह की डेली न्यूज अपडेट निकलते हैं कि यूपीपीएससी का ये सेंटर में जो है दिक्कत आ गई, इधर सेंटर नहीं मिल रहा है, उधर नहीं मिल रहा है, इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स अभी तक जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, अभी तक परेशान हैं, अभी तक ये क्वेश्चन लगातार हमारे पास आ रहा है कि यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स क्या 22 दिसंबर 2024 को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भैया बिल्कुल होगा, हो के रहेगा। 2024 में यूपीपीएससी आयोग का कोई बड़ा एग्जाम नहीं हुआ है, आयोग की साख पे बात है, कुछ भी करके आयोग करा लेगा। वो 75 डिस्ट्रिक्ट में जो है परीक्षाएं हो रही हैं, किसी भ्रम में मत रहें, पढ़ाई करें, फोकस करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज जरूर लगा के जाइएगा, करीबन प्री के 50% सवाल आपको इसी से डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। किसी भी तरह एससीएस की पेड क्विज की प्रैक्टिस करें, एससीएस की टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करें। हमारे ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, कूपन कोड भी उसमें है, अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट चल रहा है उसमें, उसको आप लें। और बाकायदा उसमें करीबन 2000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं इस समय, उसमें अपनी ऑल इंडिया रैंक वगैरह आप देख सकते हैं, पूरा जो है मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल ये कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया फिर अभी तक। देखिए यूपीपीएससी की जितनी बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है वो करीबन 10-11 दिन पहले ही आता है। पिछली बार भी करीबन 11 दिन पहले आया था यूपीपीसीएस 2023 के प्रीलिम्स से पहले, उससे पहले 2022 वाला प्रीलिम्स में भी करीबन 10 दिन पहले आया था। तो इस बार भी 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम है प्रीलिम्स का, इसका मतलब है 11 या 12 या 10 दिसंबर तक यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ सकता है, पढ़ाई करते रहें। आरओ यारो का क्या होगा, देखिए आरओ यारो में अभी कमेटी बनी है, भले ही फॉर्मेलिटी वगैरह की कुछ उसकी रिपोर्ट जाए, लेकिन वो पहले अपनी जो कमेटी है आयोग को रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही कुछ तय होगा। सिंपल बात वही है कि वो एग्ज़ाम अभी नहीं होना है, करीबन मार्च अप्रैल के आसपास ही होना है, महाकुंभ के बाद ही जो है वो होना है, क्योंकि आयोग वैसे भी जो है प्रशासन पे डिपेंडेंट है एग्जाम वगैरह कराने के लिए, जो स्कूल्स वगैरह सेंटर्स वगैरह के अरेंजमेंट के लिए। तो अभी आर ओ आर ओ में टाइम है, इनफ टाइम है, जो भी हो। देखिए ये एग्जाम काफ़ी लेट तो हुआ है क्योंकि अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन आया था आर ओ आर ओ का, लेकिन भाई आयोग की वैकेंसी है पूरी हो के रहेगी, तैयारी करते रहें। 4 दिसंबर 2024 से आर ओ आर ओ की प्रीलिम्स की कंप्लीट सिलेक्शन की तैयारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट डायनामिक पैटर्न चल रहा है, अभी 2023 का जैसा पेपर आया, 2021 का आर ओ आर ओ का जैसा पेपर आया, सिर्फ और सिर्फ उस पैटर्न के हिसाब से अगर तैयारी करनी है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर ले। 4 दिसंबर को हमारा क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, इसकी वैलिडिटी चाहे मार्च में हो एग्जाम, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, वहां तक रहेगी। इवन दिसंबर 2025 तक भी हुआ तो वहां तक जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। प्रीलिम्स का भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चालू हो रहा है, मेंस का भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चालू हो रहा है। एक जगह ही सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मेंस में भी बाकायदा टास्क सिलेबस में तोड़ तोड़ के पहले लिखवाएंगे, फिर उसको चेक किया जाएगा, पूरा फीडबैक दिया जाएगा, फिर फुल टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ऐसे में भी हिंदी में भी। तो इस तरह से आरओआरओ की कंप्लीट तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन कर सकते हैं 4 दिसंबर वाला। और वैसे 2027 क्योंकि जो है यूपी इलेक्शन है, वैसे वन नेशन वन इलेक्शन वाला अलग गणित चल रही है, लेकिन 2027 में यूपी इलेक्शंस अगर होते हैं उससे पहले लगातार यूपी ट्रिपल एससी में भी कई सारी वैकेंसी हो सकती हैं कि आप लगातार आएँ। इवन यूपी पीसीएस 2025 का भी तैयारी करते रहें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होता तो हर साल ही है, थोड़ा बहुत डिले भले हो। यूपी पीसीएस 2000 देखिए जो भी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स होते हैं जनरली मई से लेकर जून जुलाई तक करवाते हैं, और मेंस जो होता है वो सितंबर अक्टूबर तक होता है। तो 2025 में थोड़ा बहुत लेट भी हुआ तो भी मेरे हिसाब से ये जुलाई अगस्त तक करा लिया जा सकता है, तैयारी करते रहें। 2025 यूपी पीसीएस की सिलेक्शन तक की तैयारी का, प्री का कंप्लीट, मेंस का पूरा सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट हो चुका है 27 दिसंबर से, उसको ज्वाइन करके पूरी कंप्लीट जो लेटेस्ट एंड पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस से कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि फ्री टेलीग्राम जो चैनल है हमारा एससीएस डेली क्विज में, उसमें 6 साल से जीएस की क्विज चल रही है, उसको आप ज्वाइन करके डेली जीएस के क्वेश्चन फ्री में बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओनली करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और जो मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, उसमें हम पिक रिवीजन जो है फिर से चालू कर रहे हैं, आप उसको तुरंत ज्वाइन करें। लगातार पिक्स का रिवीजन अब कराया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम तक।
मिसलेनियस पापा वीडियो आएगा करीबन 7 दिसंबर से पहले आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इकोनॉमी पापा वीडियो में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि उसको शॉर्ट और टू द पॉइंट और क्रिस्प बनाना है, इसलिए उसको भी मैं जो है थोड़ा सा टाइम लगा के करीबन 14 या 15 तक मैं रिलीज़ कर दूंगा। बहुत बड़ा नहीं होगा इकोनॉमी पापा वीडियो, उससे पहले बजट पापा यूपी वाला और यूनियन बजट पापा आप देख डालिए, ठीक है? वो दोनों दे दिए गए, उनमें से करीबन दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिए। हमारे चैनल में जाइए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, वहाँ पे कोर्सेज का ऑप्शन आ गया है, वहाँ पे यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट दे दी गई, उसको आप जरूर देख के जाइए। सारे वीडियो बेहद जरूरी हैं प्री तैयारी करने के लिए।